नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी, और स्वागत से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग हो? ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली आस्किंग मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बाय द वे ठंडे थोड़ा, सो दैट इज वेदर आई शुड टेक अ ड्रॉप, क्योंकि सर इस बार मेरे प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं गया है, दैट्स व्हाई शुड आई टेक अ ड्रॉप, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच वेल फॉर द KIT 2024 एग्जामिनेशन, शुड आई टेक अ ड्रॉप। द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। व्हाई? थिंग इज वेरी सिंपल कि ये जो एटीट्यूड है कि इस बार ड्रॉप ले लेते अगले बार अच्छा करेंगे, हो सकता है आप लास्ट ईयर भी यही सोचे होंगे, लास्ट ईयर ऑल्सो यू माइट हैव थॉट द सेम, एंड दैट्स व्हाई यू हैव रीच दिस ईयर। दिस पर्टिकुलर प्रोकास्टिनेशन इज गोइंग टू किल यू गाइस। आप सोच नहीं पा रहे, आप समझ भी नहीं पा रहे हो बेसिकली कि हाउ दिस इज एक्चुअली गोइंग टू किल यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इंस्टेड, आपको करना क्या है? What I have to do is just focus on the last 70 days, 70-75 days, and maintain the consistency. I know it sounds very familiar. किया नहीं है तो कितने बार सुन चुका हूँ consistency ये वो. But the point is हम बार-बार भूल जाते हैं. हम भूल जाते हैं कि 75 days में possible है 500 घंटे पढ़ना. Possible नहीं है 75 days में 500 घंटे पढ़ना. लास्ट 70 दिन है, 70 दिन में आप अगर डेली ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं 5 घंटे पढ़ते हो, ऑन एन एवरेज 350 घंटा होता है गाइस। 350 आवर्स में यू कैन क्रिएट वंडर्स इफ यू प्रॉपरली प्लान दिस 350 आवर्स। आउट ऑफ दिस 350 आवर्स ऑन एन एवरेज आई एम कंसिडरिंग, लास्ट 70 दिन बचा है, 70 दिन में ऑन एन एवरेज 5 घंटे करके, ठीक है 70 डेज में, तो 350 आवर्स में, लास्ट 350 आवर्स आई एम कंसिडरिंग 200 आवर्स टू बी केप्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या? 250 आवर्स आउट ऑफ 350 प्रैक्टिस इंक्लूड्स, दिस 250 आवर्स इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लगवाए हो, पहले जो भी क्लास किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्टार मार्क करने के लिए बोला था, दोस क्वेश्चंस विच आर टफ, जो क्वेश्चन से बन जाता है उसे मत ओके डोंट ट्राई दिस। मॉक टेस्ट, दोस क्रिटिकल क्वेश्चंस यू हैव टू डू अगेन, जो आपसे नहीं बना मॉक टेस्ट में दोबारा करो, तीन बार करो, उसको करो, समझ के करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मॉक टेस्ट क्या बोलते हो, ये बोलते हो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैं सोल्यूशन देख के कर रहे तो फिर भूल जाता हूं। क्यों सोल्यूशन देख के कर रहे हो? एक बार सोल्यूशन को देखो, देख के छापने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले सोल्यूशन को देखो समझो अपने से करो कॉपी में। अगर आप देख रहे हो कि मतलब बीच में करते करते इफ यू आर यू नो स्टॉपिंग, इफ यू कुड नॉट फाइंड एक्चुअली द वे टू डू इट, देन अगेन सी द फुल सॉल्यूशन, डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द, और से यू आर अपीयरिंग फॉर मॉक टेस्ट, यू हैव गॉट द सॉल्यूशन, उसको देख देख के छाप दे रहे, नहीं, फर्स्ट यू सी द सॉल्यूशन, यू वेट, ओके फाइन, लेट मी अंडरस्टैंड, ओके सो देयर आई हैव कमिटेड द मिस्टेक, यू क्लोज दैट सॉल्यूशन and do the question, solve the question on your own, then only it's going to remain embedded in your memory for a longer time, otherwise not guys, be very clear regarding this. So 250 hours mein kya keh rahega, kya keh rahega, kya bola maine, previous year questions, the critical ones that you have star marked earlier, and this remaining is the mock test, appearing for mock test subject wise as well as your full length, aapko mere app pe bhi mil jayega, aap koi bhi app se le sakte ho, it's up to you. ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड कोर्सेज भी है, क्या है कोर्सेज का नाम, इन आवर ऐप गेट 2024 सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ एप्टी, वेर यू विल फाइंड द कोर्स मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बट ऑल्सो फ्रॉम मैथ एप्टी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एंड दिस वैलिडिटी इज वन ईयर, सिर्फ गेट के लिए नहीं, गेट के बाद भी जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं एक्सेट्रा सब के लिए वैलिड होगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है, द हाईएस्ट सोल्ड कोर्स ऑफ माइंड, out of the 1037 students who have joined in my different courses, this is the course where people have joined the highest. And also for those people who are just starting right now, there is a dedicated 60 marks course. This may be math, apti, geotech, environment, transportation, etc. This combined weight is 60 marks. Aise kuch subjects hai. Right. And usme se concept to expected question. This is the thing. Last jo aapka bach raha hai 100 hours. Out of 350, 250 chala gaya, 100 hours jo hai. उस 100 आवर्स में क्या करोगे आप? दैट इज मेनली द मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड स्टडिंग दोस टॉपिक्स विच यू आर फाइंडिंग न्यू।
मान लो आप 5 मॉक टेस्ट दिए, उसमें से आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहा है एंड यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर थिंग। से हाइड्रोग्राफ से देख लो, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज हाइड्रोग्राफ, आई डोंट नो। फटाक से देख लो वहां पे जाके हाइड्रोग्राफ क्या है, लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रखा हूं मैं यहाँ पे, छोटे छोटे लेक्चर्स टॉपिक वाइज देख लो आप वहां पे, प्रीरिक्विजिट करके एक सेक्शन है, यू विल फाइंड अरे हाइड्रोग्राफ ये 45 मिनट 50 मिनट में क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट यू कम टू द क्वेश्चंस, पूरा हाइड्रोग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से करना है, अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्टली रिमूव दिस थॉट दैट यस इस बार तो नहीं होगा 35-40 मार्क्स, समझ रहे हो, 35-40 मार्क्स में IIT NIT मिल रहा है, और क्या क्या चाहिए आपको, 55 मार्क्स 60 मार्क्स में PSU मिल रहा है। PSU के रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, सब्सक्राइब कर लो अभी माय यूट्यूब चैनल एक्चुअली, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड ऑथेंटिक वीडियोस। कितना मार्क्स चाहिए सर, देखे थे ना वो वीडियो, देख लो PSU के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो वाला, टेक केयर।